इसका मतलब है मैंने इतना जो 122 किलोमीटर का फासला तय किया वो नहीं किया, और आप जो 1.25 से आके बैठे थे आपने भी कुछ लर्न नहीं किया। वो अवेकनिंग का नाम क्या, छोटी सी मिसाल से मेरे बेशुमार शागिर्द हैं, पुरानी बात है, एक शागिर्द ने मुझे इनवाइट किया लाहौर में NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट, तो वहाँ पर एक एग्जीबिशन था, एग्जीबिशन में बच्चों के जो आर्टिस्ट थे उनकी बनाई हुई चीज़ें थी, और साथ ही साथ में अगर आप कभी किसी से एग्जीबिशन जाएँ तो कुछ चीज़ें बिकने के लिए भी होती हैं, यानी नीचे रेट उनके लिखे होते हैं। आप कभी किसी आर्ट गली में जाइए तो पेंटिंग के साथ पेंटिंग का रेट भी लिखा होता है। तो वो एग्जीबिशन में मैं मूव करते 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 एक मुझे मूर्ति सी पसंद आई, पता लगा वुडन है, वुड की बनी हुई। उसके नीचे मैंने कीमत देखी तो 11 लाख रुपया लिखी हुई थी। 11 लाख रुपया, 11 लाख रुपए की एक मूर्ति इतनी महंगी, मैंने कहा इसको कोई खरीदेगा? कहता सर खरीदेंगे, और मुमकिन है कि 2 दिन में खरीद जाए और ले जाए इसको यहाँ से, खरीदने वाले 11 लाख रुपए की मूर्ति। मेरा अगला सवाल उससे ये था कि ये मूर्ति जिसको जिसका साइज शायद कह लकड़ी से बनी होगी, व्यास 2 फिट से चौड़ी होगी और उसकी लेंथ जो होगी 3 फिट होगी, ये छोटी सी लकड़ी का पहली बात तो वो नहीं, वो कुछ नहीं, उसे किसी का हाथ लगा है और उस हाथ वाले का नाम था फनकार आर्टिस्ट, और उसका फन ये था कि वो सस्ते को महंगा करता, उसको अल्लाह ने आर्ट दिया था कि वो ही लकड़ी का चीज को पड़ा होता है किसी काम नहीं आता, उसको पूछ के उसमें से मुजस्मा निकाल के उसको बेचने के लिए लगाता था, उसकी कीमत उसकी मालवी जो 11 लाख रुपये जिंदगी में भी ऐसे हो। ये इदारे की प्रोफेसर यूनिवर्सिटी आर्ट का सेशन, ये सब के सब वो फनकार हैं जो सस्ते से बच्चे को, आम से बच्चे को लेते हैं, किसी गांव से बच्चे को लेते हैं और बाद में फिर किसी कंपनी का उसे CEO बनाते हैं। बड़ा इंसान है। जब हम कोई भी सेशन डिलीवर करते हैं, हमारी गुफ्तगु होती है, तो एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, भाई 1 kg आयरन बार की कीमत क्या है? 1 kg आयरन बार ना गुजरात में कीमत क्या है? वो भी चलो मियाँ चुमाशी को होता मिलता है नहीं मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, वही और बताए सही वाली कीमत 72 rupees और 105। उसकी कीमत 200 रुपए किलो है, वही लोहा मेल्ट किया जाकर बोल्ट बनाया जाता है उसकी कीमत 500 रुपए केजी हो जाती है, और वही लोहे का टुकड़ा लेके छोटी सी घड़ी बनाई जाती है उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए हो जाती है। हुआ क्या है, सिर्फ चीज की हैसियत वैल्यू के अतबार से बढ़ी है, वो चीज क्या हो गई बेटे? याद रखिएगा हम सबके सब यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, एक सफा टर्न होगा तो नए सफे के बाद आए 10 साल गुजर चुके हैं, एक सफा मजीद टर्न होगा और पता लगेगा 20 साल गुजर चुके हैं, आज से 20 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी लेता था और 20 साल के बाद आज मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यूनिवर्सिटी इदारा एजुकेशन सिस्टम डिग्री कागज की डिग्री GPA ने मुझे आज भी अंदर बाद में एनालिसिस कर सकता, शायद अब मैं एनालिसिस नहीं कर सकता। आज 20 साल बाद मुझे पता लगा कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन IQ मेरा पूरा तालीम का निजाम मुझे रखा हुआ GPA नंबर ले नहीं लेगा तो फिर बात ही बने, डिग्री ले सीधी तुझे जॉब मिले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रट्टे लगा के मेरी बात बनेगी, नोट्स को रट्टा लगा मेरे नोट्स को रट्टा लगा जो स्लाइड मैंने दिखाई थी वही तुम तैयार करोगे, और उसके बाद कहीं जाके फील्ड में पता लगता है कि IQ पीछे रह गया है, एक इमोशनल जीनियस भी होगी लोगों को मैनेज कैसे करना है।
हट्टे लगा लगा के आपके ख्याल आपके अफकार की तब्दीली नहीं आई, तो
बैंड ही होना होना की नई गाड़ी आ रही है, कौन सी आई रही गाड़ी? सिविक। सिविक सिविक भाई उन्होंने क्या किया, सिविक की प्रोडक्शन चाहिए ज्यादा हो गई है। आप जानते हैं बंदे वही प्लांट वही और उनके पास सिर्फ एक सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन ने क्या किया, दे आर एक्सपर्ट ने कहा कि हमारी टॉप मैनेजमेंट प्रोडक्शन की सारी टीम ग्रेड वन ग्रेड टू ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देगी। कहे कि प्रोफेशनल मोटिवेशन, वो क्या होती है, काम होता है लेकिन काम में जज्बा हो तो फिर क्या होता है, फिर उतनी गाड़ी बनती है जितनी आमतौर पर नहीं बनती, जितनी बनती है जितनी आमतौर पर नहीं बनती है। हजूर वाला ये चौथा कदम जो मैंने बताया पैशन प्रोफेशन, ये उसका होता है जिसका जो काम है उसी का वो शो, उसका पैशन भी वही है और उसका प्रोफेशन भी वही है। यहाँ अन्य का होता है कि डिग्री हमारे पास कुछ होती है, पैशन कुछ होता है, अब्बा जी कुछ का होता है, फुफो की तमन्ना कुछ और होती है, रिश्ता उधर होता है। बिलाल साहब क्योंकि हमारे मुल्क में रिवाज ही नहीं था पुलिस पुलिस की इज्जत करवा सके, गेट ना टीचर चंबल ना इज्जत करवा सके, ना बाकी डिपार्टमेंट बाकी अपने डिपार्टमेंट्स की इज्जत करवा सके। और इसमें बहुत बड़ी वजह क्योंकि दिल से बंदा उस प्रोफेशन का नहीं होता जिसकी वजह से वो बोझ बन जाता है और बोझ बनने वाली चीज में कभी भी नाम कमाया बनाया नहीं कर सकता। आता है कि हम लोगों का सबसे बड़ा गिला किस यूनिवर्सिटी इस इदारे में हो